फिर आपके प्यारे चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों कैसे हो और आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी हमारा 11th बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया, उसमें से काफी सारे लेसन मैंने भी पढ़ाए आपको, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज 12th हमारा लेसन। हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिसका मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया है, ठीक है, जरूर से जाके देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत सारी चीजें हम लोग ने उसमें डिस्कस की है। आज मैं आप लोगों को लाइट रिएक्शन के बारे में जनरली हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोग के लिए देता हूं। सबसे पहले क्या हुआ था, देखो हम लोग ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता क्या, फोटो सिंथेसिस क्या होता है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर एन एग्जांपल एक आपके पास लीफ है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, किसके अंदर होती है, मेनली प्लांट के अंदर होती है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो आपके पास एक लीफ है, अब लीफ के अंदर कुछ सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है, उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज मेसोफिल सेल्स। तो यहां पे एक सेल पड़ा है, यहां पे एक सेल पड़ा है। अब नॉर्मल जैसा हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, जैसा हम लोग नॉर्मली रेस्पिरेशन करते हैं, सेम टू सेम वैसा ही रेस्पिरेशन प्लांट भी करता है। मतलब प्लांट भी क्या ले रहा है, दैट इज ग्लूकोज ले रहा है एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज ले रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, और उसको किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के फॉर्म, एटीपी फॉर्म में एनर्जी बन रही है हमारे बॉडी में, सही है, प्लांट के बॉडी के अंदर। तो एटीपी फॉर्म में एनर्जी बन रही है, साथ ही साथ क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। ये एक जो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। सिंपल सी प्रोसेस है, ये सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। लेकिन प्लांट के अंदर एक मैजिकल प्रोसेस और होती है। प्लांट क्या करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको ये वेस्ट नहीं करता, ठीक है, ये क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले लेता है अपने बॉडी के अंदर। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आ गया, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिया, इसने वापस ले लिया और इसको वाटर के साथ, ठीक है, इसको किससे रिएक्ट करवाता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करवाता है और वो वापस क्या बना लेता है, अपना ग्लूकोज बना लेता है। मतलब जो ग्लूकोज इसने यहां पर यूज किया था, वो ग्लूकोज इसने वापस क्या कर लिया, यहां पे फॉर्म कर लिया। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। तो यहां पे इसका जो बाय प्रोडक्ट क्या निकला है, वो ऑक्सीजन, ठीक है, इसका बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन। अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ था कि इसके अंदर जो CO2 लग रहा है, ठीक है, जो CO2 लग रहा है वो इसने यहां से तो लिया है, लेकिन यहां का जो CO2 है ये इसके लिए इतना ज्यादा नहीं होता, इसको चाहिए और ज्यादा CO2, ठीक है, इसको चाहिए और ज्यादा CO2। तो ये क्या करता है, हमारे लीफ के ऊपर यहां पर कुछ स्टोमेटल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, हम लोगों को पता है, ठीक है, कुछ स्टोमेटल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, तो यह क्या करेगा, बाहर के, ठीक है, बाहर से एनवायरमेंट से क्या करेगा, यहां से CO2 को अंदर ले लेगा, ठीक है, बहुत सारे CO2 को क्या कर लेगा, अंदर ले लेगा, सही बात है, और उस CO2 के हेल्प से क्या बना लेगा, ग्लूकोज। अब यहां पे क्या बन गया, ग्लूकोज के साथ साथ हमारे जो बाय प्रोडक्ट क्या बना है, वो ऑक्सीजन बना है, ठीक है। अब यहां से कुछ ऑक्सीजन वो यूज कर लेगा रेस्पिरेशन में, कुछ ऑक्सीजन क्या कर लेगा, वो रेस्पिरेशन में यूज कर लेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, ताकि वहां पे क्या बन जाए, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाए, और यहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत ही एक्सेस में बनता है ना, तो इसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वो क्या कर देता है, यहां से इसी स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर देता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग इसलिए बोलते हैं कि जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले रहा है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ रहा है। समझ में आ रही बात, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस मैजिकल प्रोसेस, और इस मैजिकल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने आप लोग क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो दो स्टेप है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज लाइट रिएक्शन, सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन किसके अंदर चलती है, मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था कि लाइट रिएक्शन चलती है थैलाकॉइड के अंदर। थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है, किससे बना हुआ होता है, किससे बना हुआ रहता है, वो फॉस्फोलिपिड से, ठीक है, किससे बना हुआ है, वो फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर से बना हुआ रहता है, दो लेयर होती है ना हमेशा फॉस्फोलिपिड की। ऐसा क्यों होता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट लेक्चर बताया था कि जो फॉस्फोरस वाला पार्ट है वो क्या करता है, वो पानी से प्यार करता है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, लेकिन जो लिपिड वाला पार्ट है वो पानी से प्यार नहीं करता, वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो वो उसको कभी भी पानी कॉन्टेक्ट में नहीं आना, तो वो हमेशा क्या करेगा, ऐसे बाय लेयर फॉर्म कर देगा, मतलब एक बाहर साइड या आपका फॉस्फोरस वाला पार्ट या आपका लिपिड वाला पार्ट, तो ये कभी पानी से कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहता, इसलिए यहां पर एक दूसरी क्या फॉर्म हो जाती है, मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, जिसमें ये वाला पार्ट जो आपका फास्फोरस वाला पार्ट है वो बाहर हो जाए। इसका मतलब आपका जो लिपिड वाला सेक्शन है वो कभी भी, ठीक है, वो कभी भी पानी के टच में नहीं आता। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, यहां पे डबल लेयर बनता है, इसी डबल लेयर में, ठीक है, इसी डबल लेयर में क्या चलती है, आपकी लाइट रिएक्शन चलती है फोटोसिंथेसिस की। कौन सी डबल लेयर है, ये है थैलाकॉइड की डबल लेयर, इसकी थैलाकॉइड की। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मैंने आप लोग क्या बताया था कि जो लाइट रिएक्शन है वो टोटली डिपेंड होती है किसके ऊपर, सन के ऊपर, किसके ऊपर टोटली डिपेंड होती है, वो सन के ऊपर। और आपका जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है, लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को बताए थे, एक होता है एटीपी, ठीक है, एक होता है एटीपी और एक बनता है दैट इज एन
NADH2, ठीक है, NADH2, ये दो प्रोडक्ट किससे बनते हैं, आपके लाइट रिएक्शन से। और जब तक ये दो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होंगे तब तक अगला स्टेप नहीं चलता, ठीक है, जब तक ये दो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होंगे तब तक अगला स्टेप नहीं चलता। अगला स्टेप क्या है, दैट इज अवर डार्क रिएक्शन, ठीक है, अवर डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, मैंने जो हम अभी आप लोगों को प्रोसेस बताया ना, जो रिएक्शन बताया वो डार्क रिएक्शन के अंदर होता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, दैट इज आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला मॉलिक्यूल आएगा, दैट इज वाटर आएगा, और विद द हेल्प ऑफ दिस एटीपी, ठीक है, इस एटीपी का एनर्जी लगेगा, साथ ही साथ यहां से जो NADPH2 है ना, यहां से ये H2 टूटता है, उसमें से बहुत अमाउंट ऑफ क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और इसका यूज करके, ठीक है, इसका यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, ग्लूकोज फॉर्म करेंगे, सही बात है। तो आपका जो अपना फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है, जो रिएक्शन है वो किसके अंदर मेनली होता है, डार्क रिएक्शन के अंदर होता है। लेकिन डार्क रिएक्शन डिपेंड किसके ऊपर है, लाइट रिएक्शन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है, दैट इज उसके जो प्रोडक्ट हो रहे हैं, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज एडीपी एंड एटीपी एंड NADPH2। तो आज हम लोग सीखेंगे कि लाइट रिएक्शन में आखिरकार होता क्या है, ऐसे कौन कौन सी चीजें होती है लाइट रिएक्शन के अंदर जिसके वजह से यहां पे एटीपी का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, साथ ही साथ NADH2 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले देखो, मैंने आप लोग क्या बोला कि लाइट रिएक्शन कहां पे चल रही है, थैलाकॉइड के अंदर। तो आप लोगों को थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया था थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्या होता है। देखो फॉर एन एग्जांपल, ये एक लीफ है, ठीक है, ये क्या है, एक लीफ है। अब लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक मेसोफिल सेल, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, एक मेसोफिल सेल। और इस सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, जो कि सिर्फ किसके पास रहता है, प्लांट्स के पास रहता है। उस सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। मैंने आप लोगों को पढ़ा है ना, तो क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये भी डबल लेयर्ड होता है, सही है। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी ना कि ये पहले खुद एक प्रोकैरियोट हुआ करता था, फिर इसको क्या किया कि दूसरे जो बड़े सेल्स थे उनको उन्होंने इसको खाने की कोशिश की, तो ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये अब क्या है, एक पार्ट बन चुका है सेल्स का। तो इसके पास खुद का एक डीएनए होता है, ठीक है, खुद का एक डीएनए होता है, इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। साथ ही साथ जितने भी प्लांट्स हैं, जब हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं ना, वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक, लेकिन इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर कौन सा राइबोसोम होता है, एटीएस राइबोसोम, लेकिन इस बंदे के पास, ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, दैट इज 70S। इसका जो राइबोसोम है कौन सा है, 70S। और 70S राइबोसोम कहां पे मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, समझ में आ रही बात। इसका मतलब क्या है, एवोल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो आपका ये जो सेल्स है, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका जो क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये पहले खुद क्या थे, एक टाइप के प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, ठीक है, पहले क्या थे, खुद के प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। तो बड़े बड़े जो सेल्स थे वो इनको खाने की कोशिश की, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर लिया, एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लिया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि भाई मैं तेरी मदद करूंगा, तू भी जिंदा रहे, मैं भी जिंदा रहता हूं। तो ये यहां पे क्या हो गया, ये इसकी हेल्प कर रहे हैं। अब यहां पे देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कॉइन शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सही है, कॉइन शेप का स्ट्रक्चर। और ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि एक के ऊपर ऐसे कॉइन रखी हुई है, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, एक कॉइन है उसके ऊपर एक के ऊपर क्या रखी हुई है, कॉइन्स रखी हुई है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहां पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ये जो एक कॉइन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड, ठीक है, इसे एक कॉइन को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। और ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बोलते हैं दैट इज ग्रैनम, ठीक है। ये एक जो कॉइन है, इसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज थैलाकॉइड, क्लियर है, ठीक है। और ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसे मैं क्या कहूंगा, ग्रैनम, समझा, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलूंगा मैं, ग्रैनम। अब सिर्फ एक ग्रैनम नहीं प्रेजेंट होते, ऐसे बड़े सारे ग्रैनम प्रेजेंट हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल एक दूसरा ग्रैनम प्रेजेंट है, सही है। तो एक को हम लोग ग्रैनम बोलेंगे, लेकिन यही ग्रैनम अगर बड़े सारे प्रेजेंट होंगे एक सेल के अंदर, ठीक है, यही ग्रैनम अगर बहुत सारे एक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम मैं कहूंगा दैट इज ग्रैना, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहने लगेंगे, दैट इज ग्रैना। तो सिंगुलर में ग्रैनम और प्लुरल में इसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रैना। और यही जो ग्रैना होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक ऐसी पतली सी ट्यूब रहती है, इस ट्यूब के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रोमा लैमिले। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रोमा लैमिले, क्लियर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये हो गया आपका स्ट्रोमा लैमिले वाला स्ट्रक्चर, क्लियर है, समझ में आ गया। आप देखो इसके अंदर ये जो खाली खाली स्पेस दिख रहा है, इस खाली खाली स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज स्ट्रोमा, सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रोमा। ये खाली जो पूरा खाली खाली स्पेस है, इसे मैंने क्या बोला, स्ट्रोमा। साथ ही साथ ये आपका क्या हो गया, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के पूरे स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला, ग्रैनम, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दैट इज इसे मैंने क्या बोला, अपना स्ट्रोमा लैमिले, क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि जो लाइट रिएक्शन वाली प्रोसेस है, जो लाइट रिएक्शन वाली प्रोसेस है वो कहां चलती है, वो चलती है आपके थैलाकॉइड के अंदर, ठीक है। वो किसके अंदर चल रही है, आप लोग के थैलाकॉइड के अंदर चल रही है, आप लोग के तो नहीं, प्लांट्स के थैलाकॉइड के अंदर चल रही है। तो वो कैसे होती है, क्या होती है, वो सारी चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर मुझे प्लांट का
अगर मुझे प्लांट के अंदर लाइट रिएक्शन पढ़नी है तो सबसे पहले मुझे क्या जानना पड़ेगा, दैट इज थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। सही बात है, मुझे क्या जानना पड़ेगा, दैट इज थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर। तो थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को अभी बताया, देखो अभी मैं सिर्फ थैलाकॉइड बना रहा हूं, तो थैलाकॉइड हमेशा डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। थैलाकॉइड हमेशा कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है। तो यहां पर मुझे दो लेयर बनानी पड़ेगी, इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल लेयर मतलब इसको एक ही हम लोग मेम्ब्रेन कंसिडर करेंगे, लेकिन होती क्या है ये डबल लेयर। मैंने आप लोगों को बताया था ना किसकी बनी होती है डबल लेयर, दैट इज आपकी फॉस्फोलिपिड, ठीक है। क्या किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड के अंदर बनी होती है, सही है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, देखो कुछ ऐसे से यहां पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो जनरली लाइट को कैप्चर कर दिया काम करते हैं, दिख रहा है, ठीक है। यहां पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, लाइट को कैप्चर करने का काम करेंगे। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं दैट इज फोटो सिस्टम्स, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम, क्लियर है। इतनी बातें समझ में आएगी, क्या बोला मैंने, अभी ज्यादा कुछ बताया नहीं तुम लोग को। देखो ये एक नॉर्मल सा क्या है, थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो जो थैलाकॉइड अभी मैंने तुम लोग को दिखाया था ना, छोटा छोटा थैलाकॉइड, अब उसको क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। तो मैंने क्या बोला कि इस थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है, इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, इस मेम्ब्रेन को थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर दिखानी है। तो चलो ये एक आपका मेम्ब्रेन, तो मुझे इस स्ट्रक्चर को भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे कुछ ऐसे से क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसकी मेम्ब्रेन के अंदर, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे से क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। यहां पे क्या प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। अब इस फोटो सिस्टम को अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा बना के देखूं, अब इसके अंदर भी मुझे देखना है कि भैया क्या क्या प्रेजेंट है, तो इन फोटो सिस्टम के अंदर हमारा जो मेन चीज है वो प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा, सन को, सन की जो लाइट है उसको कैप्चर करने का काम करेगा। कौन से होते हैं, दैट आर द पिगमेंट्स, जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इस फोटो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, आ जाओ तुम लोग को पहले फोटो सिस्टम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, ठीक है। फोटो सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे। फोटो सिस्टम ऐसे तीन पार्ट में डिवाइडेड है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आ जाओ सबसे पहले हम लोग देखते हैं, दैट इज फोटो सिस्टम, ठीक है। फोटो सिस्टम के बारे में थोड़ी सी चीजें हम लोग जानते हैं, क्या होता है फोटो सिस्टम, देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसके बाजू बाजू में ऐसे दो यहां पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर ऐसे लगे हुए रहते हैं, इट इज अ फोटो सिस्टम। अब इस सिस्टम में होता क्या, देखो ये जो साइड साइड के बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, ये जो साइड में ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर, ठीक है। इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर। अब इसका नाम लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर क्यों पड़ा, देखो इसका जनरल सा फंक्शन है लाइट, जितनी भी सन की लाइट है ना उसको कैप्चर करना, ठीक है। अब ये कैप्चर कैसे करेगा, उसकी एनर्जी को कैप्चर कैसे करेगा, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो जनरली इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन कौन से पिगमेंट्स हो सकते हैं, हम लोग ने पढ़ा ना, बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल होता है, फिर क्लोरोफिल भी दो टाइप का होता है ना, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, फिर हम लोग बात करते हैं ज़ैंथोफिल्स होते हैं, फिर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ऐसे बड़े सारे टाइप के अलग अलग पिगमेंट्स कहां प्रेजेंट होंगे, इस स्ट्रक्चर में, कहां पे, आपके हार्वेस्टिंग सेंटर में। सो दिस इज वन हार्वेस्टिंग सेंटर और ये आपका एक हार्वेस्टिंग सेंटर है, दो हार्वेस्टिंग सेंटर एक फोटो सिस्टम के अंदर क्या होंगे प्रेजेंट, क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो आपका ये क्या है, एक हार्वेस्टिंग सेंटर, ये आपका दूसरा हार्वेस्टिंग सेंटर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, दैट इज फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है, यहां पे कहीं पे आपका ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होगा, ऐसे बड़े सारे टाइप्स के क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब देखो जैसे ही इनके ऊपर लाइट गिरती है, ठीक है, जैसे ही इन सिस्टम के ऊपर क्या गिरती है, लाइट गिरती है, ये एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऐसे एटम्स होते हैं, पढ़ा है, ऐसे एटम्स होते हैं, बीच में प्रोटॉन होता है और बाजू बाजू में क्या होते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, यहां पे क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अब जैसे ही इस एटम को एनर्जी मिलती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कूद के दूसरे ऑर्बिटल में चले जाते हैं, सही है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कूद के कहां चले जाते हैं, किसी दूसरे ऑर्बिटल में कूद जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। कुछ ऐसा ही सीन किसके अंदर होगा, आपके लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर के अंदर होगा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये पिगमेंट्स क्या करेंगे, देखो जैसे इनके ऊपर सन की लाइट पड़ेगी, ठीक है, जैसे इनके ऊपर क्या पड़ेगी, यहां पे सन है फॉर एग्जांपल,
ठीक है, यहाँ पे क्या है सन है। अब जैसे ही सन की लाइट इनके ऊपर पड़ेगी ये क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे एक्साइटेड हो जाएंगे, और एक्साइटेड होने की वजह से ये क्या करेंगे एक अपना इलेक्ट्रॉन यहां से उछाल देंगे। ठीक है, एक अपना इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर देंगे उछाल देंगे, समझ रहे क्यों क्यों भैया, क्योंकि अभी कौन से स्टेट में है एक्साइटेड स्टेट में, कौन से स्टेट में है एक्साइटेड स्टेट में, समझ में आ रही बात क्या हो रहा है। देखो सिंपल सा यहाँ पे है कि जैसे अगर किसी के ऊपर लाइट पड़ी, जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल फोटो सिंथेटिक पिगमेंट हूं और अगर मेरे ऊपर लाइट पड़ी तो मेरे पास क्या आ जाएगी एनर्जी आ जाएगी, लाइट एनर्जी आ जाएगी, और उस एनर्जी के थ्रू, ठीक है, उस एनर्जी की वजह से मैं क्या करूंगा एक्साइटेड हो जाऊंगा। तो एक्साइटेड होने की वजह से मैं क्या करूंगा अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेरे बॉडी का, मेरे जो सेल्स में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो क्या कर जाएंगे जंप मार जाएंगे दूसरे ऑर्बिटल में, हायर ऑर्बिटल में जंप मार जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी अब क्या हो चुकी है ज्यादा हो चुकी है। वैसे ही देखो अभी फॉर एग्जाम्पल ये क्या, इसने क्या किया जंप किया, जैसे ये जंप करेगा अब इसको वापस भी तो आना पड़ेगा, सही है ना। अब ये हमेशा जंप एक्साइटेड फॉर्म में रह सकता है क्या, नहीं, इसको वापस स्टेबल फॉर्म में भी आना पड़ेगा। तो जैसे ही ये अपने स्टेबल फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉन वापस अपने स्टेबल फॉर्म में आएगा, ये एनर्जी को रिलीज कर देगा इसके बाजू वाले मॉलिक्यूल में, ठीक है, इसके ये जो एनर्जी है यहां पे जो एनर्जी इसने कैप्चर करी थी इस एनर्जी को ये क्या कर देगा रिलीज कर देगा इसके बाजू वाले मॉलिक्यूल में। जैसे ही बाजू वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली ये भी क्या कर लेगा अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर लेगा। समझ में आ रही बात क्या हो रहा है यहां पे, इस इलेक्ट्रॉन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है वो क्या हो रही है ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, वो क्या हो रही है ट्रांसफर हो रही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, देखो यहां पे क्या बोला मैंने, इट इज एक, ये एक फोटो सिस्टम है, ये आपका एक फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम के अंदर क्या होता है दो साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे आपके फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। फोटो सिंथेटिक पिगमेंट का कौन कौन से होते हैं, दैट इज अवर क्लोरोफिल हो सकता है, वहां पर जैंथोफिल्स हो सकते हैं, कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं, ऐसे बड़े सारे टाइप के क्या होते हैं फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। अब ये पिगमेंट का फंक्शन क्या है, देखो पिगमेंट का फंक्शन सिंपल सा फंक्शन है कि ये क्या करेंगे जो लाइट एनर्जी है, ठीक है, लाइट एनर्जी है उसको कैप्चर करेंगे और एक्साइटेड हो जाएंगे, ठीक है, लाइट एनर्जी को क्या करेंगे कैप्चर करेंगे और क्या हो जाएंगे एक्साइटेड हो जाएंगे। और जैसे ही एक्साइटेड होंगे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे ऑर्बिटल में फेंकेंगे, सही है, एक्साइटेड हुए तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे दूसरे ऑर्बिटल में फेंकेंगे। अब जैसे इनका जो ये है इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑर्बिटल में गया, ठीक है, जैसे इनका इलेक्ट्रॉन क्या होगा दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, और उसके बाद ये जब वापस लोअर ऑर्बिटल में आने वाला होगा तो अपनी एनर्जी को क्या कर देगा दूसरे एटम को शिफ्ट कर देगा। समझ में आ रही बात। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल ध्यान दो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो अपना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है कोई भी हो सकता है, ये कैरोटीनॉइड हो सकता है, ये ज़ैंथोफिल्स हो सकता है, या फिर अपना अपना ज़ैंथोफिल या फिर कैरोटीनॉइड हो सकता है, फिर अपना क्लोरोफिल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जैसे ही इसको एनर्जी मिली, ठीक है, जैसे इसको क्या मिली सन से एनर्जी मिली, ये क्या करेगा अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइटेड कर देगा। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसको वापस अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये वापस क्या कर लेगा अपना इलेक्ट्रॉन वापस उस पोजिशन पे आएगा और यहां जो एनर्जी फॉर्म हो रही है उसको क्या कर देगा ये किसी दूसरे एटम के पास भेज देगा। अब जैसे ही इस एटम को एनर्जी मिली ये भी क्या कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर देगा, ठीक है, ये भी क्या कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर देगा। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, जैसे ही क्या हो गया इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, वैसे ही क्या हो जाएगा, देखो वैसे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, अब वापस इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस आना है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने सेंटर पे आएंगे और ये एनर्जी वापस किसी दूसरे एटम के अंदर ये क्या कर देगा भेज देगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना एनर्जी है ना इनका कैचअप कैच चलता रहता है, भैया एक पकड़ता है एक फेंकता है दूसरा पकड़ता है फिर दूसरा फेंकता है तीसरा पकड़ता है, समझ में आ रही बात। ऐसे करते करते आपकी जो एनर्जी है वो इस सेंटर तक आती है, ठीक है, कहां तक आती है इस सेंटर तक आती है। अभी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है, ठीक है, इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं दैट इज रिएक्शन सेंटर। इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज रिएक्शन सेंटर। क्लियर है, समझ में आ रही। अब रिएक्शन सेंटर में होता क्या है, देखो रिएक्शन सेंटर में दो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना क्या प्रेजेंट होंगे यहां पे, दो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होंगे, ध्यान दो, दीज आर द क्लोरोफिल ए, क्या प्रेजेंट होंगे, ये क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होंगे। अब ये ए क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, यहां से क्या हुआ, देखो इस साइड से भी क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन आए, इसने क्या किया अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड किया, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, अब यहां पे कोई दूसरा ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहां पे कोई दूसरा ये प्रेजेंट होगा अपना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अब इसका एनर्जी किसमें ट्रांसफर होगा, इसकी जो एनर्जी है वो इसमें ट्रांसफर होगी और ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर देगा। अब जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड किया, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया एक्साइटेड किया, फिर ये इसके जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल फॉर्म में आएंगे, स्टेबल फॉर्म में आएंगे तो ये अपनी एनर्जी को किसमें ट्रांसफर कर देगा, दैट इज क्लोरोफिल ए में, किसमें ट्रांसफर कर देगा इस एनर्जी को क्लोरोफिल ए में। तो घूम घाम के क्या होने वाला है, पूरी की पूरी एनर्जी जहां पे भी ट्रैप हुई है, पूरी की पूरी एनर्जी जहां पे भी आपके आपके लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर में ट्रैप हुई है वो सारी की सारी कहां पे आ जाएगी, इस क्लोरोफिल ए के पास आ जाएगी, कहां पे आ जाएगी, इस क्लोरोफिल ए के पास आ जाएगी। वैसे यहां पे भी जो एनर्जी ट्रैप हुई थी, अब ये भी क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करेगा, एक्साइटेड होने के बाद जब ये इसके इलेक्ट्रॉन वापस स्टेबल फॉर्म में आएंगे तो ये अपनी एनर्जी को वापस किस में भेज देगा, इस
क्लोरोफिल ए के पास भेज देगा। समझ में आ रही बात। इस क्लोरोफिल ए को वापस क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। अब जैसे ही इन दोनों को एनर्जी मिलती है, ठीक है, इन दोनों को जैसे ही क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, एक्साइटेड कर देते हैं। सही है, इनके इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। अब देखो इन सबके जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे थे, वापस इनको अपने इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे थे। सही है, इनके इनको अपने वापस इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे थे, मिल जा रहे थे। सिंपल सी बात है ना। लेकिन इसके साथ ऐसा होगा क्या, इसके साथ ऐसा होगा क्या, ये चाहता तो है कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स वापस मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया यहां देखो, इसके इलेक्ट्रॉन्स की राह देख रहा है यहां पे एक दूसरा कंपाउंड। ठीक है, यहां पे एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो राह देख रहा होता है इनके इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे ही इनके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कर लेता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सब समझ में आई बात। मतलब सबसे पहला ये ऑर्गन है जिसने क्या किया है, ऑर्गन हम लोग भी बोल सकते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, सबसे पहला ये स्ट्रक्चर जिसने क्या किया है भैया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। समझ में आ रही बात। सो इट इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। समझ में आया बात। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि आपका एक फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें हो रही है वो समझ में आया। इधर एक लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर है, इधर एक लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर है, दोनों लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर में फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब वो फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स का फंक्शन क्या है, उन फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स का फंक्शन है कि भैया लाइट एनर्जी को कैप्चर करो, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करो, एक्साइटेड करो। अब जैसे वह इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी, फिर उनके इलेक्ट्रॉन्स वापस कम पोजीशन पे आएंगे और एनर्जी क्या हो जाएगी, उनके बॉडी से लॉस हो जाएगी। अब जैसे ही वो एनर्जी वहां से लॉस हुई, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, दूसरा कोई एटम पकड़ेगा और वो एक्साइटेड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सीरीज ऑफ इवेंट, ये ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट, एक चेन चलती रहती है और लास्ट में ये एनर्जी किसके पास पहुंचती है, आपके क्लोरोफिल ए के पास पहुंचती है। किसके पास पहुंचेगी, आपके क्लोरोफिल ए के पास पहुंचेगी। अब ये ए वापस क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करेगा। सही है, ये भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करेगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके पास वापस नहीं आ पाते। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास वापस नहीं आ पाते, इसके इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लिया जाता है किसके द्वारा, दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा। सही है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लिया जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा। क्लियर है? ठीक है, तो आ जाओ वापस स्ट्रक्चर में आ जाओ। क्या हो गया, ये वाले स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, तो मतलब क्या हुआ, यहां से देखो क्या हुआ, इतना हम लोग ने पढ़ा कि यहां पे क्या थे, बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे और ये क्या कर रहे थे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये कर रहे थे, एक्साइटेड कर रहे थे। एक्साइटेड होने के बाद यहां पे देखो, यहां पे क्या प्रेजेंट है, दो क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, दो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होंगे। हमेशा याद रखना कि यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, हमेशा क्लोरोफिल ए ही प्रेजेंट होता है। जैसे ही क्लोरोफिल ए यहां से क्या होगा, एक्साइटेड होगा। ठीक है, क्लोरोफिल ए क्या होगा, यहां से एक्साइटेड होगा, यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ में आ रही बात। अब इनके पास भैया इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, इनके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्लियर है? अब यहां से इलेक्ट्रॉन का कैचम कैच शुरू होने वाला है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को फेंकेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे को फेंकेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथे को फेंकेगा। ऐसी यहां पे सीरीज ऑफ इवेंट चलने वाले हैं। समझ में आ रही बात। अब मैं आप लोगों को फोटो सिस्टम पढ़ा ही रहा हूं, तो थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं फोटो सिस्टम के बारे में। जनरली दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, एक फोटो सिस्टम ए और एक फोटो सिस्टम वन और एक फोटो सिस्टम टू। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे फंक्शन, ये फोटो सिस्टम टू का फंक्शन है। ठीक है, अभी जो हम लोग ने पढ़ा इतना सारा फंक्शन, ये किसका फंक्शन है, फोटो सिस्टम टू का फंक्शन है। इसीलिए मैंने देखो यहां पर दो फोटो सिस्टम ऑलरेडी बढ़ा के रखे। ये वाला जो फोटो सिस्टम है, इट इज अ फोटो सिस्टम वन। ठीक है, फोटो सिस्टम में पीएस लिखो तो चलेगा ना, पीएस मतलब क्या, फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम वन ये वाला है और जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा दैट इज फोटो सिस्टम टू। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो मेनली एक चीज का डिफरेंस है दोनों में, इधर आओ बताता हूं। मेनली एक सिंगल चीज का डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, दैट इज देखो, इसके पास भी एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, दो क्लोरोफिल इसके पास भी प्रेजेंट होंगे, दो क्लोरोफिल इसके पास भी प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल ए। लेकिन इसके पास जो क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल का नाम है दैट इज पी 680। ठीक है, इसके क्लोरोफिल का नाम है दैट इज P680। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, दैट इज फोटो सिस्टम टू की बात करूं, इसके क्लोरोफिल का नाम है दैट इज P700। क्या बोला मैंने, दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होंगे एक थैलाकॉइड के अंदर। ठीक है, दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होंगे आपके एक थैलाकॉइड के अंदर, फोटो सिस्टम टू और फोटो सिस्टम वन। इसका जो नेमिंग दिया गया है वो जनरली डिस्कवरी पे दिया गया, कैसे सीरीज ऑफ डिस्कवरी हुआ है। तो मैंने क्या बोला कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जो फोटो सिस्टम टू है उसके पास भी क्या है, क्लोरोफिल ए, जो फोटो सिस्टम वन है उसके पास भी क्या है, क्लोरोफिल ए। लेकिन इसमें मेनली डिफरेंस क्या है कि जो फोटो सिस्टम टू है उसके पास क्लोरोफिल ए कौन से टाइप का है, दैट इज P68। ठीक है, सॉरी P680। और आपका जो फोटो सिस्टम वन है उसके पास कौन सा क्लोरोफिल है, दैट
इज P700. अब ये 680 क्या है और ये 700 क्या है, ये सिर्फ एक रेंज है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना कि आप लोग का जो फोटोसिंथेटिक ये होता है एक्टिव रीजन होता है, मतलब जहां से जो सनलाइट है वो सनलाइट कैप्चर करने वाला जो रीजन होता है दैट इज कितना होता है वो 400 to 700, ठीक है, कितना होता है वो 400 to 700, क्लियर है, ठीक है। इतने रीजन में आपका जितने भी इतने रीजन में जो नैनोमीटर में लाइट होगी उसको क्या कर लेगा आपका जो प्लांट है वो कैप्चर कर सकता है। लेकिन ये जो दो क्लोरोफिल है ये सिर्फ क्या कैप्चर कर सकते हैं, ये वाला क्लोरोफिल सिर्फ 680 एनएम की लाइट को कैप्चर कर सकता है और ये वाला जो क्लोरोफिल है ये सिर्फ और सिर्फ 700 एनएम की लाइट को कैप्चर कर सकता है। अब देखो प्लांट के पास अगर यही दोनों क्लोरोफिल होते, अगर मैं बात कर रहा हूं अगर प्लांट के पास सिर्फ यही दोनों क्लोरोफिल होते तो या तो आप 680 का जो ये है फ्रीक्वेंसी है उसकी सनलाइट को कैप्चर कर पाते या तो 700 को कैप्चर कर पाते, मतलब बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है बाकी जितने भी एनएम्स है वो सारे क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, सही है। इसीलिए प्लांट्स के अंदर बहुत सारे टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे ज़ैंथोफिल्स हो गए, कैरोटीनॉइड्स हो गए, इतने सारे क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि आप अलग अलग जो वेवलेंथ है उन सबको कैप्चर करने के लिए अलग अलग टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपके प्लांट के अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट। समझ में आ गया, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब कहानी को वापस शुरू करते हैं, हमारी कहानी कहां तक पहुंची थी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ गया था, हमारा इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया था, दैट इज इसका, ये इसका नाम क्या है, दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, आपका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुका है। अब ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज प्लास्टो क्यूनिन, ठीक है, ये किसको ट्रांसफर कर देगा, दैट इज प्लास्टो क्यूनिन, पीक्यू का मतलब क्या है प्लास्टो क्यूनिन। अब ये प्लास्टो क्यूनिन के पास क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, समझ में आ रही बात। अब ये प्लास्टो क्यूनिन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस ट्रांसफर करेगा किसके पास, दैट इज साइटोक्रोम B6F, ये एक स्ट्रक्चर है दैट इज साइटोक्रोम B6F, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते, पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा शिफ्ट कर देते, यहां पे कर देते, चलेगा, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए, इतना समझा। क्या बोला मैंने, यहां से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ गया, अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसको भेज देगा इलेक्ट्रॉन, दैट इज पी क्यू को, ठीक है, ये पी क्यू को भेज देगा, अब ये पी क्यू क्या है, दैट इज प्लास्टो क्यूनिन, और ये प्लास्टो क्यूनिन किसको भेज देगा, दैट इज साइटोक्रोम B6F, समझ में आ रही बात। अब ये साइटोक्रोम B6F के बाद क्या होगा, यहां पे एक दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ध्यान दो, यहां पे एक दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, जिसका क्या नाम होता है प्लास्टोसाइनिन, देखो यही है, ये इसी को चेन रिएक्शन बोलते हैं, ये एक चेन की तरह क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, इलेक्ट्रॉन्स का कैचम कैच चल रहा है, एक कैच फेंक रहा है दूसरा पकड़ रहा है फिर दूसरा आगे फेंक रहा है तीसरा पकड़ रहा है, समझ में आ रही, यही चीज चल रही है। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, प्लास्टोक्यूनिन के पास, फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा आपका, दैट इज साइटोक्रोम B6F के पास, और इसके बाद किसके पास जाएगा, दैट इज साइट अपना प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी चीजें। अब आप लोग बोलोगे सर इतनी सारी चीजें हो क्यों रही है, ये सारी की सारी चीजें इसलिए हो रही है कि आपका ये जो सर्कल वाला रीजन है, ये जो सेंटर वाला रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, इस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं, दैट इज ल्यूमिन, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड, ल्यूमिन किसी भी खाली जगह को बोल देते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी खाली सी जगह होगी ना, खाली से स्पेस होगी, इसको हम लोग ल्यूमिन बोल देते हैं। तो ये किसका ल्यूमिन है, थैलाकॉइड का ल्यूमिन है, इसके अंदर आप लोग को एच पॉजिटिव, ठीक है, आपके आप लोग को क्या करनी है, एच पॉजिटिव की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एच पॉजिटिव का ग्रेडियंट इंक्रीज करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज करना है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है, आप कैसे करोगे, क्यों ये सारा तामझाम चल रहा है, क्योंकि आपको क्या करना है, दैट इज ल्यूमिन के अंदर H प्लस की जो ये बोल सकते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट उसको इंक्रीज करना है। क्यों इंक्रीज, देखो कैसे होगा, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा, देखो इसका इलेक्ट्रॉन कौन पकड़ लिया, ये पकड़ लिया आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है ना, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इन सबके इलेक्ट्रॉन जो थे वो इनको वापस मिल जा रहे थे, मैंने बताया ना आप लोग को, कहां गया ये स्ट्रक्चर, देखो इन सबके इलेक्ट्रॉन जो थे इनको वापस मिल जा रहे थे, ये एनर्जी ट्रांसफर कर दे रहे थे और इसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, ये एनर्जी ट्रांसफर हो जा रही थी, इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गया, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन का क्या, इसके इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल ही नहीं रहे ना, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल ही नहीं रहे, तो अब क्या करोगे आप लोग, तो अब इसके लिए, ठीक है, आपके प्लांट बॉडी के अंदर इसके लिए इस सेंटर में, ठीक है, ल्यूमिन के सेंटर में एक रिएक्शन चलती है, दैट इज यहां पे हाइड्रोलिसिस होता है, क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है वाटर का, ठीक है, वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है और ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे 2H+, ठीक है, यहां पे ब्रेक हुआ 2H+ में प्लस ओ, ठीक है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रिएक्शन शायद बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना आप लोग, देख लेना। तो यहां पे जब H2O मॉलिक्यूल टूटेगा, एक H2O मॉलिक्यूल क्या होगा टूटेगा, तो वो कुछ इन पार्ट्स में डिवाइड होगा, दैट इज आपके 2H+, ठीक है, उसके बाद एक आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और 2 इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको चला जाएगा भैया, इस क्लोरोफिल ए को चला जाएगा, किसको चला जाएगा, इस क्लोरोफिल ए को, जो जो अपना इलेक्ट्रॉन दान दे रहा था ना, अब ये सारा किसको चला गया, इसको चला गया। अब देख रहे हो यहां पे सारा तामझाम चल क्यों रहा था, क्योंकि यहां पे क्या बढ़ जाए, H पॉजिटिव बढ़ जाए।
अब एच पॉजिटिव आपको बढ़ाना है तो आपको हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा वाटर का। अब जब हाइड्रोलिसिस करोगे मतलब वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे, क्यों आप ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि इस क्लोरोफिल ए को आपको इलेक्ट्रॉन देना है, समझ में आ रही बात, इस इलेक्ट्रॉन इसको क्या देना है, आप लोग को इलेक्ट्रॉन देना है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे दोगे आप वाटर को क्या करोगे ब्रेक करोगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करोगे ब्रेक करोगे। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, वैसे ही क्या हो जाएंगे, कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज 2H+, उसके बाद एक ऑक्सीजन और दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन किसको चला जाएगा, इस अपना क्लोरोफिल ए को चला जाएगा, फोटोसिस्टम 2 वाले क्लोरोफिल ए को चला जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग बोलोगे सर यहां के इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, अब यहां के जो यहां का जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर होगा इस क्लोरोफिल ए को, ठीक है, किसको ट्रांसफर होगा, इस क्लोरोफिल ए को, और ये क्लोरोफिल ए भी क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, सही बात है, ये क्लोरोफिल ए भी क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, तो यहां पे भी इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, एक्साइटेड, यहां पे इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, एक्साइटेड, इस इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ने के लिए, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ लिया जाता है किसके द्वारा, यहां पे एक और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा इसके ऊपर, ये जो आपका रिएक्शन सेंटर है, इसको रिएक्शन सेंटर बोलते हैं ना, या इस रिएक्शन सेंटर के ऊपर साइड, ठीक है, इस रिएक्शन सेंटर के ऊपर साइड यहां पे एक और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा, इसके आपका इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको पकड़ लेगा और इसको वापस किसमें किसको ट्रांसफर कर देगा, दैट इज अनदर केमिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज फेरोक्सिडीन, ठीक है, किसको ट्रांसफर कर देगा, दैट इज फेरोक्सिडीन। क्लियर है इतनी बातें। अब देखो, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती, इस क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती इसकी तरह, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल भी तो रहा है, सही है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर रहा है तो इसको यहां से एक इलेक्ट्रॉन मिल भी तो रहा है, सो इसका इलेक्ट्रॉन वापस को ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट रहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते, लेकिन यहां पे ये जो क्लोरोफिल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है, जिसके वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। क्लियर है, समझ गया, ठीक है, तो यहां पे H+ बढ़ गया और इसके बाहर साइड क्या हो जाएगा, H+ कम हो जाएगा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो यहां पे एक और प्रोसेस चलती है, ध्यान दो, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, यहां पे मुझे थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, इसको मैं यहां पे मिटा देता हूं। यहां पे कुछ और चीजें होती है इस थैलाकॉइड के बाहर, थैलाकॉइड के बाहर क्या है आपका, स्ट्रोमा वाला रीजन है, याद आ रहा है, ये सारे चीजें थैलाकॉइड में चल रही है, थैलाकॉइड के बाहर क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है, इस स्ट्रोमा में, ठीक है, ये जो थैलाकॉइड का एकदम बाहर वाला रीजन है ना, इस स्ट्रोमा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज NADP, क्या नाम है इसका, NADP सिंथेटेज, ठीक है, क्या नाम है इसका, NADP सिंथेटेज। इसका फंक्शन क्या है, इस एंजाइम का फंक्शन है कि भैया एक NADP का मॉलिक्यूल लो और एक H का मॉलिक्यूल लो, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इन दोनों क्या कर दो, जोड़ दो, समझ में आ रही बात। ये कहां लगा हुआ है, ये इस थैलाकॉइड के बाहर लगा हुआ है, ठीक है, ये इस थैलाकॉइड के बाहर लगा हुआ है, और इसको एनर्जी कहां से मिली, इसको एनर्जी मिलेगी इस FD से, ठीक है, कहां से मिलेगी इस FD से, FD है ना अपना फेरोडॉक्सिन, ठीक है, इसको एनर्जी कहां से मिल रही थी, देख रहे हो यहां पे, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ किसके पास गया, FD के पास गया, ये इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर कर देगा, ये दैट इज NADP सिंथेटेज को, ठीक है, किसको कर देगा ये ट्रांसफर, दैट इज NADP सिंथेटेज को। जैसे इसने ट्रांसफर किया एनर्जी, ये फटाक से सिंथेटेज क्या करेगा, एक NADP का मॉलिक्यूल लेगा, ठीक है, और एक H पॉजिटिव का मॉलिक्यूल लेगा, ठीक है, NADP का मॉलिक्यूल लेगा और H पॉजिटिव का मॉलिक्यूल लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा, दैट इज NADPH में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देगा, NADPH में। अब देखो, मैंने आप लोग क्या बोला था कि हमको अंदर हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको बढ़ाना है, ठीक है, अंदर के हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको क्या करना है, मुझे बढ़ाना है, तो मैंने क्या बोला, यहां पे मैंने हाइड्रोलिसिस किया था वाटर का, तो इसकी वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ गया, ये एक तरीका हो गया, लेकिन अगर मैं यहां का जो हाइड्रोजन है उसको कम कर दूं, ठीक है, ये भी तो एक तरीका हो सकता है अंदर का ग्रेडियंट बढ़ाने का, सही है, या तो मैं इसका बढ़ाते चले जाऊं, या तो मैं बाहर का जो हाइड्रोजन का ये है क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेशन उसको मैं क्या कर दूं, कम कर दूं, अगर मैं बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा तो भी तो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, सही बात है, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन फिर भी क्या होगा, बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है, इतना समझा, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक चीज और है, यहां पे दो रीजन आप लोगों को समझ में आ गए अपना हाइड्रोजन का पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ाने के, एक रीजन और होता है, देखो यहां पे जब आपका प्लास्टोक्यूनिन, ध्यान दो, जब आपका प्लास्टोक्यूनिन आपके साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होता है, ध्यान दो क्या बोला मैंने, जब आपका प्लास्टोक्यूनिन आपके साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होता है, उसी बीच आपका प्लास्टोक्यूनिन क्या करता है, यहां से इस स्ट्रोमा से एक H पॉजिटिव उठाता है, ठीक है, एक H पॉजिटिव उठाता है और साइटोक्रोम अपना साइटोक्रोम द्वारा इस H पॉजिटिव को किसके अंदर डाल दिया जाता है, इस ल्यूमिन में डाल दिया जाता है, किसके अंदर डाल देते हैं लोग, इस ल्यूमिन में अंदर डाल देते हैं, मतलब यहां पे H पॉजिटिव और बढ़ गया, ठीक है, H पॉजिटिव क्या हो गया और बढ़ गया, क्लियर है, ठीक है, तो मतलब हम लोग ने बहुत मेहनत करके मशक्कत करके इस जो ल्यूमिन वाला
स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एच पॉजिटिव का जो ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको मैंने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया। देखा कितना तामझाम चला, ठीक है, कितना तामझाम चला। ये PS1 था, ठीक है, PS1 अपना क्या था, फोटोसिस्टम 1, यहां पे फोटोसिस्टम 2 था, सही है, ठीक है। इसके अंदर क्या मैंने किया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, जिसके वजह से क्या हो गया, यहां पे H2O मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, जिसके वजह से यहां पे H+ का क्वांटिटी बढ़ा, साथ ही साथ मैंने बाहर का H+ का क्वांटिटी कम कर दिया विद द हेल्प ऑफ NADP, ठीक है, NADP का यूज करके बाहर का H+ का क्वांटिटी क्या किया, कम किया, जिसके वजह से इसका ग्रेडियंट और बढ़ गया। साथ ही साथ मैंने क्या किया, जो अपना प्लास्टोक्यूनिन था, ठीक है, उसके द्वारा एक H+ उठाया गया, वो उस H+ को किसने, किसको ट्रांसफर किया, इसने साइटोक्रोम को ट्रांसफर किया, और इस साइटोक्रोम में, इस साइटोक्रोम ने क्या किया, इस H+ को किसके अंदर डाल दिया, आपके ल्यूमिन के अंदर डाल दिया, देख रहे हो। तो ये टोटल कितने तरीके हो गए इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को बढ़ाने का, टोटल कितने तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए। अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर क्या करना है इधर H+ बढ़ा के, इस H+ को बढ़ा बढ़ा के करना क्या है। देखो सारा खेल इसी का है, यहां पे एक अनदर प्रोटीन लगा होता है, ये देख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक और प्रोटीन लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज ATP सिंथेटेस, ठीक है, ATP सिंथेटेस। देखो जिसके भी नाम के आगे, सॉरी नाम के पीछे सिंथेटेस लगा दिया है, इसका मतलब वो एक ऐसा एंजाइम है जो उस चीज को बनाने वाला है। तो ये ATP सिंथेटेस है, मतलब ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ATP का फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, ATP का फॉर्मेशन करेगा। वो होगा क्या, देखो जैसे ही इतना यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ गया, ठीक है, इतना यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ गया, ये जो आपका प्रोटीन है ना, यहां से एक चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है, यहां से क्या हो जाता है, एक चैनल ओपन हो जाता है। इस चैनल के थ्रू आप देखो, अंदर का H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर का H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो चीजें कैसे फ्लो होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहां से जो H+ है वो कहां फ्लो होने लगेगा, बाहर की साइड, ठीक है, H+ कहां फ्लो होने लगेगा, बाहर की साइड, समझ रहे हो। तो यहां पे एक काइनेटिक एनर्जी बन गई, कभी भी आप मूवमेंट करोगे तो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपका ATP सिंथेटेस क्या करेगा, उस एनर्जी को यूज करके, ठीक है, उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके एक ADP का मॉलिक्यूल लेगा, ठीक है, ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और एक IP का मॉलिक्यूल लेगा, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दो मॉलिक्यूल होता है ना, ADP दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एक आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, कहां से आ रही है एनर्जी, ये जो हाइड्रोजन आपका फ्लो हो रहा है ना, इस जो काइनेटिक एनर्जी ने इसको पकड़ेगा और इस एनर्जी का यूज करके ये किसमें बना देगा, दैट इज ATP, ठीक है, क्या बना देगा यहां पे, ATP। तो दोनों चीजें मिल गई, आपकी ATP भी मिल गई और आपका NADPH भी मिल गया। इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन, ठीक है, इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया लाइट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन क्या हो गया, समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। देखो यहां पे मैंने कुछ चीजें और लिखी हुई है, ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया ना, मैंने आपको लिख के दे दिया, नोट कर लेना इसको अपने बुक में, दैट इज कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, कहां कहां पे मैंने बताया था। देखो यहां पे मैंने बताया था बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहां प्रेजेंट होंगे, आपके आपका जो लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर है, जहां से लाइट को कैप्चर किया जाता है, इस जगह पे प्रेजेंट होंगे। तो कौन कौन से होते हैं, दैट इज आपके क्लोरोफिल, दो टाइप के क्लोरोफिल आप लोगों को पढ़ना है, ए और बी, ठीक है, और कोई नहीं पढ़ना आप लोगों को, एक आपके कैरोटीनॉइड्स और एक आपके ज़ैंथोफिल्स। इतने अलग अलग टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्यों प्रेजेंट होते हैं भैया, क्योंकि देखो जितने अलग अलग टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, उतनी अलग अलग टाइप के, उतने अलग अलग नैनोमीटर की जो एनर्जी है ना, वो क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्लोरोफिल ए का बताया था ना, तो क्लोरोफिल ए दो टाइप के बताए थे मैंने आपको, एक था क्लोरोफिल 680, ठीक है, यानी P680, और एक था P700। तो ये सिर्फ एक ही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को ही क्या कर सकते हैं, ये कैप्चर कर सकते हैं। तो बाकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग वेस्ट जाने दे क्या, जो सन की इतनी सारी फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको हम लोग वेस्ट जाने दे, नहीं, इसको हम लोग यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लियर है, अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लगा के उसको हम लोग क्या कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। यहां पे कुछ और चीजें बताइए, दैट इज प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है, अपना फाइरोफाइटिन, ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइरोफाइटिन। क्लियर है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कहां पे प्रेजेंट होता है, ये रिएक्शन सेंटर में, रिएक्शन सेंटर, सही है, फोटोसिस्टम का रिएक्शन सेंटर। क्लियर है, ठीक है। फिर यहां पे क्या मैंने बोला, देखो PQ का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज प्लास्टोक्यूनिन, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। साइटोक्रोम B6F, दैट इज CYT का फुल फॉर्म क्या है, साइटोक्रोम, बच्चों को नहीं पता चलता ना, उसको मैंने यहां पे लिख दिया। दैट इज PC का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज प्लास्टोसाइनिन, और आपके FD का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज फेरिडॉक्सिन, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता दी थी ऑलरेडी, फिर भी मैंने यहां पे आप लोग को लिख के दे दिया है। दो एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, दैट इज एक था आपका NADP सिंथेटेस और एक था आपका ATP सिंथेटेस। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका यहां पे जो लाइट रिएक्शन वाला कांसेप्ट है वो क्या हो चुका है, खत्म। अब जो लाइट रिएक्शन का जितने भी प्रोडक्ट है वो सब कुछ किस पे डिपेंड करेंगे, आपके डार्क रिएक्शन पे। जब आपका लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा तभी आपका डार्क रिएक्शन चलेगा।
प्लांट कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि चलो लाइट रिएक्शन कर लेते फटाफट और एटीपी बना लेते हैं, एनएडीपी बना लेते और उसको स्टोर करके रख देंगे, रात में आराम से अपना डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एटीपी और एनएडीपी एनएडीएच2 को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो जब लाइट रिएक्शन चलेगी तभी आपकी डार्क रिएक्शन भी चलेगी। क्लियर है, समझ में आ गया? सो आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसमें हम लोग डार्क रिएक्शन को अच्छे से समझेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नया आया हो, और हमारा जो जीआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है उसको भी जरूर से डाउनलोड करना प्ले स्टोर के ऊपर जाके, ठीक है, समझ में आ गया? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।